चमोली जिले के पोखरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। कहने को तो सरकार ने लाखों खर्च कर लोगों की सहूलियत के लिए इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया, पर सालों बीत जाने के बावजूद भी यहां पर न तो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और न ही जांच के लिए उपयुक्त मशीनें। ये एक्सरे मशीन भी 5 सालों से जंग खा रही थी, जो आखिरकार अब शुरू हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सरे मशीन के अलावा इस अस्पताल में जांच कराने के लिए कोई और मशीन है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर इस अस्पताल में डॉक्टरों की भी भारी कमी है। ना तो यहाँ सर्जन है और ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वहीं इस कमी के चलते यहाँ पर सरकारी धन का दुरुपयोग होता भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा भेजी गई दवाइयों का सही ढंग से वितरण ना होने पर ये दवाइयाँ अस्पताल में ही पड़ी रह गयी। वहीं जब इन दवाइयों को अस्पताल प्रशासन एक्सपायर होने का हवाला देकर चला रहा है, अगर सही समय पर अस्पताल प्रशासन चेतता तो सरकार द्वारा भेजी गई ये दवाइयाँ किसी जरूरतमंद के काम जरूर आती। वो ऐसा है जो आयरन आते हैं अधिकतर तो आशाओं को और आंगनबाड़ी और एनएमओ के माध्यम से, उपकेंद्रों के माध्यम से सबको बांट दिए जाते हैं। अगर कोई दवाई एक्सपायर होने जा रही है तो उसको किसी को देने के बजाय, ताकि नुकसान ना हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आप नहीं मानते कहीं ना कहीं ये सरकारी धन का दुरुपयोग है? नहीं ना, खैर दुरुपयोग तो क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि पूरी जो है उसका सदुपयोग किया जाए। पूरी बांट दी जाती है, लेकिन उसके बाद जो है अगर बच गई तो एक्सपायर दवाई देने से बढ़िया जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। समस्याओं से तो एक तो पानी से जूझ रहे हैं। हमारा थोड़ा बिजली का बिल 6 लाख से ऊपर आ गया था, 3,90,000 उसमें जमा कर पाए नहीं। कभी कभी वो कनेक्शन काट देते हैं, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे डॉक्टरों की। वहीं अस्पताल की इस हालत पर क्षेत्र की जनता भी काफी नाराज है। ना तो डॉक्टर और ना ही स्टाफ होने के कारण लोगों को हर रोज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण दूसरे परेशानी उठाते हुए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहीं अस्पताल में पसरी गंदगी से भी यहां आने वालों को दो चार होना पड़ता है। ये वो है कि सरकार ने यहां पे सीएससी तो मतलब ढांचा तो खड़ा कर दिया, पहले यहां पे तमाम स्टाफों की कमी है। पहले यहां पे MIC नहीं है, फिर लेडी डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, सारी दिक्कतें हमें यहाँ पे हो रही हैं। जो डॉक्टर आ भी रहे हैं तो यहाँ पे रेजिडेंस नहीं है, रेजिडेंस न होने के कारण लोग वापस जा रहे हैं। बहुत हमें बहुत असुविधाएँ हो रही हैं, और हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी आपसे गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए हमारा समस्त स्टाफ यहाँ पे होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपने जो है किसी जिम्मेदार आदमी जैसे मंत्री जी हो गया जो यहाँ का प्रतिनिधि है, उनको ये समस्या बताई? सर हमने तो आज तक बताई नहीं, पर आप अपने माध्यम से हमारी समस्याएं मंत्री जी तक पहुंचा दीजिएगा, यही हमारी आपसे गुजारिश है। हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धि हो, क्योंकि यहाँ देहात क्षेत्र है, काफ़ी लंबा क्षेत्र है, इसमें रोड की आवाजाही में भी जब कच्ची रोड है और पेशेंट को लाने में जब दिक्कत आती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, और गाँव में जब डॉक्टर जा नहीं सकते हैं, डंडियों पर लाना पड़ता है, और कहीं पर जो है पीठ में लाना पड़ता है पेशेंट को, यहाँ पे जाएगा डॉक्टर का होना बहुत। लगभग कितनी जनता होगी यहाँ पर, कितने गांव जुड़े होंगे आपके? यहाँ पे तकरीबन जो है आप लगाओगे हमारा जो पार्टी जखमाला वगैरह जो ऊपर दूर दराज के क्षेत्र है, और माल कुटी वगैरह जो ये बहुत करीबन जो बौतर ग्राम सभा है जो है इस ब्लॉक में आती है, ये बौतर ग्राम सभा जो ग्राम गाँव से जुड़ी भी नहीं है या रोड से जुड़ी भी नहीं होती है पहाड़ी क्षेत्र में, तो ये जो पीठ में लाना पड़ता है, फिर जब कोई डंडी पे लाना पड़ता है, और यहाँ पे जब डॉक्टर नहीं मिले तो बहुत हैरान हो जाते हैं। इस बाबत जब क्षेत्रीय विधायक से बात की तो उन्होंने भी डॉक्टरों की कमी को माना, पर इस कमी को पूरा करने के लिए कोई ठोस हल नहीं सुझाया। हमारे पेशेंट का भी और जनता का भी कहना है कि डॉक्टर लोग जो है ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं, विशेष करके यहाँ पर जो PSC है बहुत बुरा हाल है, और कभी तो डॉक्टर ही नहीं आते हैं, कभी फार्मेसिस्ट नहीं आते हैं, तो बड़ी दिक्कत है, लोगों को प्रॉपर दवाइयाँ नहीं मिल पाती है। पहले तो पूरे प्रदेश में ही डॉक्टरों की कमी है, अब धीरे धीरे जो हमारे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और हल्द्वानी के अंदर खुले हैं वहाँ से डॉक्टर आने शुरू हुए हैं, तो ये कमी धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर तो हमारी पूरी होगी, परंतु अच्छे लोग चाहे ताकि आम लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो सके, हम इसकी कोशिश करेंगे। और जो एक्स्ट्रा है
अन्य चीज़ें ब्लड टेस्टिंग का है और जो भी चीज़ें इक्विपमेंट के हैं जो भी सरकार देती है उस पर भी जो है हमारे कुछ टेक्नीशियनों की कमी है, उसको भी हम दूर कर रहे हैं। प्राइवेट एजेंसियों से हम लोग ला रहे हैं और पीपीपी मोड पे हम लोगों को लगा रहे हैं ताकि जो हमारे मैन पावर की कमी है उसको हम पूरा कर सकें। सर ये कब तक हो पाएगा ये? नहीं, अभी काफ़ी हुआ है, काफ़ी टेक्नीशियन भी हमारे पास आए हैं। डॉक्टरों की थोड़ा कमी है, उसको हम कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। गोपेश्वर के अंदर भी डॉक्टरों की बहुत कमी थी, अभी वहाँ पर भी काफ़ी लोग हम लाए, पर अभी भी वहाँ पर कमी है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द हमारे डॉक्टरों की कमी को पूरा करें। पोखरी का ये अस्पताल सूबे का पहला अस्पताल नहीं है जो इतनी सारी कमियों से एक साथ जूझ रहा है। अब देखना ये होगा कि सालों से चली आ रही अस्पताल के हालात कब सुधर पाएंगे, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण परेशानी न झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।